हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। केटो साइंस प्रियो में सभी शेयरों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अब क्या कि एक आज हम जिस मोटिवेशनल स्पीच की बात कर रहे हैं, खिलाड़ी, एक खिलाड़ी की लाइफ कैसी होती है और एक हीरो की लाइफ कैसी होती है, हीरो की लाइफ में खिलाड़ी बने या हीरो बने। अब क्या खिलाड़ी क्या होता है? खिलाड़ी क्या है? हर परिस्थिति से लड़ सकता है, हर परिस्थिति से लड़ सकता है। हीरो क्या होते हैं? हीरो सिर्फ चमकता ही है, क्या अत्यधिक चमकता है। अब साइंस ने में आपने पढ़ा कि हीरा अत्यधिक चमकता है और एक मर्च मर्ची का हिरण वाला आपने उदाहरण पढ़ा होगा। ये आपने दो फेमस उदाहरण पढ़े होंगे। ये कौन सी साइंस की कौन सी घटना लगती है? आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब खिलाड़ी हर परिस्थिति से लड़ सकता है। अब क्या हीरा चमकता है और कुछ नहीं करता है? तो जिंदगी में आपको चमकना नहीं है, आपको कुछ करना भी है। अब खिलाड़ी क्या? खिलाड़ी हर परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करता है। जैसे उसको यह थोड़ा ना पता है भाई ये गेंद कौन सी आएगी। अब देखता, सप्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब एक संडे आ जाता, संडे और ये सिक्स दिन यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक, यह 14 दिन कैसे आते हैं कैसे हैं, वो अपनी लाइफ में वो लड़ता रहता है और 7वें दिन अपने आप को फ्रेश करता है। ये खिलाड़ी का काम होता है, और ये काम, ये आप जानते हो, हीरो बनते हो, वो चमकते हैं और कुछ नहीं होता उससे। तो आपको लाइफ में ये खिलाड़ी बनना है कि आपको पेपर कैसा भी है, आपको खिलाड़ी की तरह क्वेश्चन कैसा भी है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अब लाइफ में क्या, अब क्या आप मर्ची का, ये है शेर का उदाहरण, शेर ये शेर करता है वो 14 दिन यानी हर दिन, कहने का मतलब हर दिन। अब क्या शेर क्या, आपने ये भी पढ़ा होगा विवर्धन। विवर्धन के कारण ही तो प्रकाश जो टिंडन प्रभाव दर्शाता है उसमें आता है, जो प्रकाश हमारे जो रूम है उसके अंदर, रूम का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या दोस्तों, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको बनना है क्या खिलाड़ी, कि हर परिस्थिति से आपको लड़ना आना चाहिए, हर क्वेश्चन से आपको जवाब देना आना चाहिए, उस परिस्थिति को समझो। अब क्या ये अपने आप में खुद कन्फ्यूज है, क्योंकि एक हीरे को इस डिज़ाइन में काटा जाता है कि हीरे में उसके अंदर क्या हो, परावर्तन हो, उसके अंदर ऐसे परावर्तन चलेगा इसे। अब परावर्तन क्या होता है? परावर्तन ये तो होता है, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। अब क्या ये कोण आई, ये कोण आर, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी आया गया, ये अभिलंब है, ये केंद्रित बिंदु, यानी ये तीनों बिंदु, ये परावर्तित पृष्ठ, यानी इसमें कोण आई इंटू कोण आर हो गया। आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो आपतन, ये सॉरी ये आपतन यानी आने वाला या जाने वाला परावर्तन कोण, यानी आप किसी गांव में गए घूमने, वहाँ घूमा, ये स्थान है और वहाँ से सीधे निकल गए अगले गाँव में, तो आने वाला कौन जाने वाला कौन बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। और जो सीधा आएगा, सीधा काम वो आएगा जैसे। अब क्या जो सीधे जो अभिलंब की ओर तरफ आता है, ये आपती तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, कि सीधी बात ना बोला करो, तिरछी बात बोला करो। अब क्या आपको खिलाड़ी बनना है? अब देखना, इसके एग्जाम्पल ऐसे याद रखना दोस्तों, से याद रखना, जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग पूछा क्या 3 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर
सेकेंड इसका। अब ये क्या, ये वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक। ये क्या चाल, यानी प्रकाश, प्रकाश की चाल। अब लाइट ऑफ द वेव, वेवलेंथ अलग होती है। अब क्या आप इंग्लिश में एक रेंज होती है, रेंज को बोलते हैं प्रास। क्या बोलते हैं? प्रास। अब इसको मटर रटो, प्रास क्या होती है? प्रास क्या होती है? किसी भी चीज़ की प्रास निकाल रहे हो आप, प्रास। उसमें यह समझो कि प्रास क्या होती है। प्रास यानी बीच का मान, यानी अधिकतम मान, सबसे बड़ी अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान मान का अंतर। इन दोनों का अंतर, अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान का अंतर क्या होंगे? प्रास। एक आपको मैथमेटिक्स में ये पूछता है, प्रास गुणांक, गुणांक ये होती है प्रास, प्रास बटा और या अधिकतम प्लस न्यूनतम का अनुपात, ये होती है प्रास गुणांक। यह भी बहुत बार पूछा जाता है, यह भी बहुत बार पूछा है, तब हमने बता दिया दोस्तों। अब क्या ये हमने बात ऐसे कर ली, लेकिन आज जिसने मान लो आपने कि आपको कोई भी अपनी औकात पे पूछ ली, तो एक बात, एक लाइफ में एक बात याद रखना, खिलाड़ी के जीवन में आती है कि आपकी अगर निंद्रा हो रही है, निंद्रा, तो आप सही ट्रेड पर हो, अगर आपकी निंद्रा नहीं हो रही तो आप गलत ट्रेड पर हो। क्यों करे आपकी निंद्रा? क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो, तभी निंद्रा होती है दोस्तों, तभी आपका विरोध होता है। तो उन लोगों को ये बात बोल दिया करो कि हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है, हम तो अखबार हैं बस, काफ़ी है शहर में आग लगाने के लिए, कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, राख से बनी हुई बारूद को हिंदुस्तान का युवा कहते हैं। दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।